अस्सलाम वालेकुम ग्रीन्स टेक व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं जा रही थी सखर से कराची की तरफ स्टेशन, यानी सखर स्टेशन पे ट्रेन नहीं आती, तो इसलिए कराची स्टेशन वो रोरी स्टेशन में आती, कराची स्टेशन तो ये देखें हम जा रहे हैं रोरी स्टेशन की तरफ। और जो है दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। फ़ाइनली हम रोरी स्टेशन पे पहुँचे और पहुँचने के बाद हम अपनी मंजिल तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ट्रेन और लेट थी। यानी ट्रेन को आना था 12 बजे और ट्रेन आई है 1 बजे। ट्रेन वैसे सुबह 7 बजे की थी, लेकिन वो बेचारी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। ये देखे हम लोग वेट करते हुए और बज गए थे 12:40 और ट्रेन नहीं आई। सामान भी रखा हुआ था ऐसे ही। फाइनली एक ट्रेन आई, लेकिन वो हमारी नहीं थी तो हमने उसको जाने दिया। और जो है बहुत अच्छा लगा सफ़र। शैनी का फर्स्ट पहला सफ़र था ट्रेन में, यानी फर्स्ट सफ़र इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी। फिर हम ट्रेन में बैठे और ही फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी। चलते 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 मतलब चल रही थी, सही थी, लेकिन बहुत मुश्किल का सफ़र था ये। हम रोड़ी से आगे निकले, फिर हम खैरपुर पहुँचे। ऐसे मैंने जो है थोड़े थोड़े उसकी जो है व्लॉग बना लिए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जो हूँ ना, वैसे रात का सफ़र मुझे सही लगता है, लेकिन हमारी ट्रेन जो थी वो सुबह की थी। मतलब सही था सफ़र, हमें 1 बजे तक घर पहुँच जाते, लेकिन 1 बजे तो हमारी ट्रेन आई थी, तो हम कैसे 1 बजे कराची पहुँचते। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते तो हमारी ट्रेन चल तो गई थी, लेकिन बहुत हल्की चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो। आगे आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही थी, गुस्सा भी आने लगा था मुझे तो। फिर खैरपुर स्टेशन आया और फिर ऐसी थोड़ी छोटी छोटी जो स्टेशन थे, रुकी तो नहीं लेकिन बहुत स्लो चल रही थी। और यहाँ पे आने वाला था हैदराबाद, तो थोड़ी सी वीडियो मैंने शैनी से बना ली थी, शैनी भी आई थी। बहुत मज़ा आया हम दोनों को सफ़र करते हुए। तो ये लोग बैठे हुए कचहरी ला रहे थे, मैं बोर हो रही थी ये हैदराबाद आने वाला था, यानी टंडो जाम था, टंडो आदम था, ऐसे कुछ था मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वहाँ की। और हैदराबाद स्टेशन आने से पहले हमारी ट्रेन रुक गई, यहाँ पे रुकी थी 10 से 15 मिनट। इसलिए कह रही हूँ कि बहुत तंग किया, ट्रेन का सफ़र सही होता है, सेफ़ होता है, लेकिन इस हिसाब से बहुत ख़राब है। कभी लेट हो जाती है, कभी जल्दी पहुँचा देती है। ये हमारा दरियाए सिंध।
फिर जो है हैदराबाद के बाद भी हमारी ट्रेन कोटरी पे के आगे जो है रुक गई थी, और हमें बहुत तंग किया हमारी ट्रेन ने तंग तो किया लेकिन पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी खैर रात हो गई थी और आने वाला था कराची, और ये आ गया। हम उतर गए थे स्टेशन पे और हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल तक जाते हुए, क्योंकि अंधेरा था इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये आ गया लांडी स्टेशन, क्योंकि ड्रिग रोड पे रुकती नहीं ट्रेन, इस वजह से हम उतरे नहीं। और फिर हम अपने घर की तरफ आ रहे थे। मज़ा आया ना शैनी? हाँ भाई, उसको बहुत मज़ा आया। मैं 3-4 बार इससे पूछ चुकी हूँ और सुबह से पूछ रही हूँ। और ये हम घर की तरफ जाते हुए, लेकिन ना बस ट्रेन की वजह से थोड़ा थक गई थी। ये व्लॉग मुझे सुबह डालना था या रात में ही डाल दी, लेकिन जो है मैं बहुत थक गई थी इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैं थक बहुत गई थी। तकरीबन 9 बज गए थे हमें घर पहुँचते पहुँचते, लेकिन चलें कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब मैं यहाँ आई हूँ, मुझे तकरीबन 15 दिन लगेंगे, और मीनू की बर्थडे है 6 सितंबर को, तो उसकी जो तैयारियाँ की हैं उसका व्लॉग भी मैं आज ही डालूँगी या फिर सुबह डाल दूँगी, आज अगर नहीं मुझे टाइम मिला तो फिर जो है बताइएगा आप कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये वाला भी, मीनू की बर्थडे वाला भी, मीनू की बातें जो है, मीनू अभी सो गए वरना मीनू के बाद आपको ज़रूर आती। और ये हम फाइनली अपने घर की तरफ आ गए थे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।